चार दिनों पहले एक फेक जियो के सर्कुलेशन के कारण हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रिएट हुआ। सीसीएस के तरफ से इमीडिएटली केस रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद सीसीएस और टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया। अक्यूज्ड श्रीपति संजीव कुमार अपने डेल लैपटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैम्पर करके एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत एक फेक जियो क्रिएट करके अपने सेलफोन से व्हाट्सएप ग्रुप के वेरियस ग्रुप्स में सर्कुलेट किए और जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत लोगों को पैनिक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जियो एक बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जियो सरकार की जो नीति होती है, पॉलिसी होती है, वो बताता है और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई मिशिफ माइंड पैनिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई फॉल्स जियो क्रिएट करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। श्रीपति संजीव कुमार रेसिडेंट ऑफ मादापुर, ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ दरगाह मित्ता नेलोर टाउन का है और इस पूरे ऑपरेशन में 1800 से ज़्यादा सेलफोन का एग्जामिनेशन हुआ और ख़ास करके हमारे सीसीएस की टीम, साइबर सेल टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी केवीएम प्रसाद, एसआई जी सतीश रेड्डी और टास्क फोर्स में हमारे ओएसडी पी राधा किशन राव और उनके पूरे टीम मेंबर, खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग, हमारे जॉइंट सीपी सीसीएस अविनाश मोहंती के लीडरशिप में ये केस को डिटेक्ट किए और अब एज पर द लॉ जो कंसर्न सेक्शंस हैं अंडर 469, 505, 419, 468, ये सब के तहत हम लोग केस को फर्दर आगे कोर्ट में डालेंगे।